देखिए, कुछ ही देर पहले जब बरसाती मौसम था, ये गिर गया था, ये जख्मी हो गया था, अंधेरी चल रही थी, तो मैं इसको उस टाइम आम का सीज़न भी था, ये काफ़ी जख्मी था, मैंने इसको एक बार इसको आम खिलाया, पका हुआ आम, तो उसके बाद ये यूज्ड टू हो गया। जब भी मैं इस ग्राउंड में आता हूँ तो ये मुझे पहचान लेता है और मैं इसको आवाज़ लगाता हूँ, ये मुझे आवाज़ लगाता है, और जैसे ही मैं ग्राउंड में आता हूँ उसके लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। ये आप देखिए, ये मेरे वाइल्ड ये परिंदा है, वाइल्ड तोता है, इंडियन तोता है, तो खाने लग जाता है, हाथ में आ जाता है, तो जैसे ही इसको आवाज़ लगाते हैं कि मिट्ठू आ जा, ये आ जाता है नीचे। अब देखिए, एक और बैठा है, इसका जो फ्रेंड है एक और बैठा है, ये देखिए, आप जूम करके दिखाइए ज़रा, ये बैठा है ऊपर डाल के बैठा है, बट वो नहीं आता। इसको पूरी तरह से फेथ है मेरे पे और ये आ जाता है। अगर आप, मैं इसको टेम कर सकता हूँ वाइल्ड एनिमल को, तो आप भी इसको टेम कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। अभी मैं इसके लिए मिठाई लाया हूँ, मिठाई रखी है और मिठाई खा रहा है। ये देखिए, वो दूसरा जो पैरेट है वो इसको बुला रहा है कि आ जा, बट ये मेरे हाथ पे आ गया है। इसको थोड़ा सा ये फील होता है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन है, प्यार है, वाइल्ड एनिमल है, खा रहा है मेरे हाथ में। ये खा के अभी उड़ जाएगा, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये फिर अपने जहाँ पे भी ये जाना चाहता है वहाँ पे चला जाता है। बस यही होता है, कोऑर्डिनेशन होती है। अगर मैं कर सकता हूँ, कोई भी इसे टेम कर सकता है, किसी भी पैरट को या किसी भी बर्ड को। आप देखिए, इसे कोई डर नहीं है, इंसान से कोई डर नहीं है। देखिए, अभी इसको छोड़ूंगा तो ये उड़ जाएगा। वो उसका फ्रेंड है उसके साथ। मेरे हाथ में ये कुछ मिठाई है, कुछ चावल के दाने थे, आप देखिए। फिर इसको बुलाऊंगा, ये फिर भी आ जाएगा मेरे पास, आई थिंक सो, मुझे लग रहा है फिर आ जाएगा। बैठो ला, ला आ जा बेटो, देखिए एक बार फिर आ गया। ये ले, इट्स अमेजिंग। वो एक थोड़ा सा लेके चला गया अपना सामान खाने वाला, वो पीछे उसका फ्रेंड है, उसे मांग रहा है कि मुझे भी दे दो, पर वो फेथ नहीं करता। अब गया उसके पास, अभी आपको दिखाता हूँ मैं जूम करके, वो उससे छीन रहा है, छीना झपटी हो रही है उनमें से, दोनों छीना झपटी कर रहे हैं उसके लिए, उस खाने के लिए छीना झपटी हो रही है उनकी। ये दोनों बैठे हैं जी।